हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को पीजे सर का नमस्कार और वेलकम। देखिए प्यारे बच्चों, कल क्लास नहीं आ पाई थी किसी कारण से। कल थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, इस कारण से क्लास नहीं हो पाई। देखिए प्यारे बच्चों, नीट के रिजल्ट के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और अब ये मामला बहुत बड़ा हो चुका है और कोर्ट लेवल तक चला गया है। इसीलिए आप लोगों को एक योद्धा की तरह तैयार रहना है, एक योद्धा बन के लड़ना है और हो सकता है कि नीट का एग्ज़ाम वापस हो जाए। चांसेस है कि नीट के एग्ज़ाम वापस हो जाए, क्योंकि अभी काउंसलिंग पे भी रोक लग सकती है। इसीलिए आप दिल से तन मन धन से लग जाइए पढ़ाई पे। क्लास नोट्स निकालिए, वापस से पढ़िए, उनको बार बार पढ़िए। एनसीईआरटी किताब निकालिए, पढ़िए, ठीक है। और भी अच्छे से सवाल बनते हैं वो पढ़िए, पिछले साल के सवाल पढ़िए और जो इस साल का पेपर आया था उसके क्वेश्चंस को देखिए, किस टाइप के, किस वैरायटी के क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चंस करिए। तो आपको एक योद्धा की तरह तैयार रहना है और जीत के दिखाना है, हारना नहीं है, जीतना है तुम लोगों को। आई बात समझ में? इसी सेशन के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आज आपको एमसीक्यू करवाने तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। सबसे पहले वेलकम सभी का, जो जो बच्चे आते हैं उनका मैं नाम हमेशा लेता हूँ। भागीरथ जी, आपका बहुत बहुत वेलकम, बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हो। उसके बाद में हमारी बहन कमला बहन, जो बहुत अच्छे से लेक्चर को देखती भी और प्रॉब्लम सॉल्व करती है। उसके बाद में एमी बहन, ये भी बहुत अच्छे से करती है। और जो भी सभी मेरे भाई और बहन हैं, अगर आप भी देखते हो मेरे पास कमेंट या मेरे को पता चलता है, मैं आपका नाम जरूर लूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा। देखिए प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में बात की और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स के बारे में बात की। क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स के बारे में बात की। सबसे पहले हमने जाना कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, हमने ये जाना कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वो एक ऐसा फील्ड होता है जिसमें किसी चार्ज को रख दिया जाए या प्लेस कर दिया जाए तो वो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। और हम लोग जनरली कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए टेस्ट चार्ज लेते हैं और उस टेस्ट चार्ज को जो इलेक्ट्रिकल फोर्स का एक्सपीरियंस होगा वही हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड है। क्या है बच्चा बोलो? इलेक्ट्रिकल फील्ड है, यानी कि विद्युत क्षेत्र है, पहली चीज। उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होती है वो फोर्स अपॉन चार्ज होती है, यानी कि पर चार्ज में लगने वाली फोर्स जो होती है वो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाती है। उसके बाद इसकी यूनिट के बारे में पता किया, तो इसकी यूनिट आई थी न्यूटन अपॉन कूलाम या वोल्ट अपॉन मीटर। इसके बाद इसकी डायमेंशन निकाली, M1, L1, T-3, A-1 इसकी डायमेंशन आई। उसके बाद जनरल फॉर्मूले काफी निकाले, एक सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए हम लोगों ने उसके कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगी वो निकाली, यानी कि जब हमारा एक सिंगल चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, उस पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर अराउंड क्या जनरेट होने वाली है? इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होने वाली है। और इसके अराउंड जब इसके आर डिस्टेंस पे किसी चार्ज को रखा जाए तो वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आएगा? तो वहां पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आया था वो आया था KQ/r², यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल था 1/r² के, यानी कि जितनी डिस्टेंस कम रहेगी उतना ही इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा रहेगा और उतनी डिस्टेंस ज्यादा उतना इलेक्ट्रिकल फील्ड कम। ये बात की हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग सीधे सीधे पहुंच गए थे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या होती है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस वो होती है जो पॉजिटिव चार्ज के चलने का पाथ होती है। ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है। इसकी चार प्रॉपर्टी आप लोगों को याद करने का बोला था कि नहीं बोला था? अरे भागीरथ बेटा बोला था ना, तो फिर सबसे पहली प्रॉपर्टी बोल बेटा, क्या बताई थी? ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है, बिल्कुल सही है। दूसरी, ये पॉजिटिव चार्ज के चलने का रास्ता होता है, अर्थात पाथ होता है। तीसरी, सर ये पॉजिटिव चार्ज से चलती है और चौथी नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाती है। क्या बंद लूप का निर्माण करती है? नेवर फॉर्म द क्लोज लूप। ओके, क्या एक दूसरे को काट सकती है? नेवर इंटरसेक्ट, क्योंकि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल है क्या बेटा बोल? अरे पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, अच्छी बात, तू बता दो बेटा, हंस क्या रहा है? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन के ऊपर मैं टेंजेंट खींच दूं, अर्थात स्पर्श रेखा खींच दूं। सर खींच दी, क्या दिक्कत है?
अरे झिंगुर वो किसको बताएगा ये बता सर, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन को अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। इतनी बातें समझने के बाद 10-12 MCQs लिए अच्छे अच्छे इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास आएगी ना उसमें हम गाउस शुरू नहीं करेंगे, 20 या 25 या 30 क्वेश्चन का एक सेशन और लेंगे जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड को मिला के जितना पढ़ा है उतने मिक्स क्वेश्चन लेंगे 30 क्वेश्चन का, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये बता देता हूँ आप लोगों को, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़िए, MCQ करिए। देखिए स्टार्ट करते हैं MCQ से। पहला MCQ क्या है ध्यान से सुनिए, काफी बच्चे बोले सर हमें हिंदी वालों को बहुत दिक्कत आ रही है ना, अब मैं हिंदी के अंदर लिखूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, पिछले बार नहीं लिखा था और पिछली क्लास में मैंने हिंदी में पूरी क्लास के अंदर है ना सारे वर्ड हिंदी में लिखे थे, अब क्या दिक्कत आ रहा है, गूगल कर दिया करो, गूगल बाबा आजकल सारी चीज़ें बता, तुम तो क्या क्या ढूंढ लेते हो गूगल पे। सर साइड में हो जाइए, पहले क्वेश्चन पढ़ना है हमको, चलो पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए पहले चीज़। एक बार मैं देखता हूँ डाटा सारा आ रहा है क्या आपके कैमरा के अंदर, बिल्कुल कुछ भी नहीं कट रहा है। ठीक है, 3 meters फ्रॉम इट सारा आ रहा है, चलो तब तो बढ़िया है भाई, सारा आ रहा है तो। अब देखो सवाल को सब लोग पढ़ते हैं, हिंदी वाले भी पढ़े, इंग्लिश वाले भी पढ़े, हिंदी वालों के लिए अलग से साइड में लिखता भी हूँ। द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू ए चार्ज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 meters, आपके पास में इलेक्ट्रिकल फील्ड दे रखी है किसी चार्ज के कारण और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड उस चार्ज से 3 meters दूरी पे है, क्या है 3 meters दूरी पे है और उस इलेक्ट्रिकल फील्ड का मान कितना है 500 newton upon coulomb, कितना दे रखा है 500 newton upon coulomb दे रखा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। हिंदी वाले सवाल को लिख दीजिए, मैं आपको लिखवा भी देता हूं ताकि आपको समस्या नहीं आए। लिखिए, किसी एक आवेश के कारण 3 meters की दूरी पर, किसी एक आवेश के कारण 3 meters की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान 500 newton upon coulomb है, 500 newton upon coulomb है तो आवेश का परिमाण ज्ञात करें, तो आवेश का परिमाण ज्ञात करें। देखिए एक बार और समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके पास में एक चार्ज है, उस चार्ज का मान है क्यू, उससे आपके पास में 3 meters की दूरी पे, ये रही 3 meters की दूरी, इससे 3 meters की दूरी पे इलेक्ट्रिकल फील्ड दे रखी है 500 newton upon coulomb, ये क्वेश्चन के अंदर डाटा गिवन है। आपको फाइंड करना है चार्ज का परिमाण कितना है, ये आपको फाइंड करना है। आगे क्वेश्चन समझ में अच्छे से, चलो सॉल्व करिए, एक मिनट का समय है, सॉल्व करिए अच्छे से। पहले देखिए डाटा ये है, निकालना क्या है, क्या चीजें सिखाई है और क्या कंसेप्ट होता है। हाँ बाकी तो बड़े सवाल कर बेटा, हाथ नहीं निकाला सर, दिल जीत लिया, दिल जीतने से कुछ नहीं होगा, सवाल करने पड़ेंगे, करो जल्दी से सवाल को। सबसे पहले यह समझिए, एक आइसोलेटेड चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आती है, यहाँ विद्युत क्षेत्र आता है, वो कितना आता है, वो हमारे पास में आता है कि Q/r² आता है, ये चीज हमें पता है। Q का मान अपने को पता नहीं है, इस Q का मान हम लोगों को पता नहीं है, इस E का मान दे रखा है और इस R का मान दे रखा है, जो गिवन डाटा है अर्थात दिया हुआ डाटा जो है वो गिवन कहो या दिया हुआ डाटा कहो, मैं गिवन लिख दूं या दिया गया डाटा लिख दूं, अब तो ठीक है हिंदी वालों, अब आप सही चल रहे, अरे बता दिया करो रे। चलो इलेक्ट्रिकल फील्ड का मान कितना है रे, 500 newton upon coulomb इक्वल्स टू 500 newton upon coulomb, आर कितना दे रखा है, आर 3 meters में ही दे रखा है जिसको आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, चलो 3 meters दे रखा है, आपको फाइंड करना है क्यू। हम लोगों को अच्छे से पता है कि E बराबर क्या होता है, K Q/r², तो Q बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, E R² / K, मैंने इसको सीधा सॉल्व कर दिया,
मुझे क्यू फाइंड करना है, तो ई किससे मल्टीप्लाई हो गया, आर स्क्वायर से। अरे बेटा किससे हो गया, ई का मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। हम लोगों को ई दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चा बोल, 500 न्यूटन कूलम। ओके बेटा, आर कितना दे रखा है, आर हमको दे रखा है सर 3 मीटर। आर स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा बोल, 3 का स्क्वायर सर 9 होगा, तो 500 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई आर डिवाइडेड बाई के। के का मान कितना होता है लाला, बोलो बेटा के का मान, बाकी रची बोलिए सर 9 × 10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो 9 × 10^9 कर दीजिए यहाँ पे, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 2 पावर यहाँ से कैंसिल आउट हो गई, तो कितनी पावर बची, 7। तो यहाँ पे डाटा आ गया 5 × 10^-7 कूलम्ब। क्या कहीं ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो क्या करें, तो हमने इसको लिख दिया 5 × 10^-1 × 10^-6। ये वापस नीचे लगा दीजिए तो बन गया 5 × 10 × 5 × 10 × 10^-6। 10^-6 क्या होता है, माइक्रो, 5/10 हो गया मेरे प्यारे बच्चे लाडू 0.5, और 10^-6 होता है माइक्रो 0.5 माइक्रो कूलम। क्या आपको कहीं पे दिख रहा है क्या, ये है क्या सर, बिल्कुल नहीं, आप हो क्या, अच्छा आप भी नहीं हो, चलो 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 चलो, ओहो यस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलो देख लो जल्दी से फटाफट, हो गया। चलो तो समझ में आया कि कोई भी क्वेश्चन तो उसको सबसे पहले कंसेप्ट को समझो, डाटा का समझो और गिवन डाटा समझो, वहाँ से क्या कंसेप्ट और क्या फॉर्मूला बन सकता है, उसके बाद में आप लोग वहाँ से जो चीज़ फाइंड करनी है उसका फॉर्मूला बनाते हुए डाटा रखिए और सीधा सॉल्व करिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लगा दे। चलो सर हिंदी में क्वेश्चन जरूर बोलना, बोल देंगे बेटा, टेंशन मत लो, घबराओ। अच्छा सवाल है, ग्रेटेस्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले इंग्लिश वालों को सवाल पढ़ के सुना देता हूँ, हिंदी वाले जिंगुरों को लिखवाना भी पड़ता है। 2 point charges +8Q and -2Q located at x = 0 and x = L। 2 charges है, एक चार्जेस है हमारा +8Q और एक है -2Q, उसको रखे गए x = 0 और x = L पे रखा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। The location of a point on the x-axis at which the net electrical field due to this 2 point charges is 0. वह कौन सा point होगा जहां पर इन दोनों पॉइंटों के कारण x-axis पे net electrical field का मान 0 हो। अरे किसका मान 0 हो रहे बच्चा, net electrical field का मान सर 0 होना चाहिए। अरे सर ऐसा सवाल तो हमने कर रखा है, अरे कहां कर रखा है बेटा, equilibrium state के अंदर। कहां कर रखा है, इक्विलिब्रियम स्टेट यानी कि साम्य अवस्था के अंदर, जहां पे नेट फोर्स 0 आती थी। क्या 0 आती थी, नेट फोर्स 0 आती थी। यहां पे क्या 0 आना चाहिए, यहां पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 आना चाहिए। अरे बच्चा क्या आना चाहिए, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 आना चाहिए। सर किया हुआ ही सवाल है, कंसेप्ट वही लगेंगे जो आप लोगों को ऑलरेडी बता रखे हैं। आई बात समझ में, करना कैसे है ध्यान से सुन लो। सर हिंदी में सवाल बोला ही नहीं, जल्दी लिखो बेटा कमला बहन, क्या देख रहे हो, लिखो जल्दी से सवाल। 2 बिंदु आवेश +8Q तथा -2Q, 2 बिंदु आवेश +8Q तथा -2Q को क्रमशः
एक्स बराबर जीरो तथा एक्स बराबर कैपिटल एल पर, एक्स बराबर जीरो तथा एक्स बराबर कैपिटल एल पर रखा गया है, तो एक्स अक्षीज पर कहां पर इन दोनों बिंदु आवेश के कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होगा। क्वेश्चन समझा दीजिए गुरुजी। देखिए प्यारे बच्चे, दो चार्ज है आपके पास में, एक चार्ज रखा हुआ है इस तरीके से, ये रहा एक चार्ज, जो है प्लस 8q, एक दूसरा चार्ज है जो है -2q। ठीक है, इसको रखा गया है, ये एक्स एक्सिस पे रखे गए बच्चों, ये पॉइंट जो है वो एक्स बराबर जीरो है और ये वाला पॉइंट मेरे प्यारे बच्चे एक्स बराबर एल है, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डिस्टेंस आएगी बोलो कितनी आएगी मेरे लाल पीले नीले, अरे बोल ले कितनी आएगी, एल। तो ये जो डिस्टेंस है वो एल दे रखी है, कितनी दे रखी है मेरे प्यारे बच्चे, एल। अब आपको बताना है कि इस एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सी अवस्था में नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगी। जब आप लोगों को साम्य अवस्था पढ़ाई गई या इक्विलिब्रियम स्टेट पढ़ाई गई तो वहां पे बताया गया था दो चीजें, कि या तो चार्ज जो है वो दोनों के बीच में रख सकते हैं, मिड में रख सकते हैं तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो आएगी, या बाहर रख सकते हैं या आउटर रख सकते हैं चार्ज, तब नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो आएगी, इलेक्ट्रिकल फोर्स जीरो आएगी, आपको ये बताया गया था। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड आ रही है, मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात कर रहा हूं। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात आपने बता रखी। तो सबसे पहले सेम नेचर के चार्ज हो तब तो बीच में रख दो, और अगर आपके पास में अनलाइक चार्जेस हो, यानी कि नेचर कैसी हो अपोजिट, यहां पे कैसी नेचर है सेम के अपोजिट, अरे बोल सेम के अपोजिट, सर अपोजिट अनलाइक चार्जेस है, विपरीत प्रकृति के आवेश है गुरुजी, ये लो भाई विपरीत प्रकृति के आवेश, कहां रखे रे, अरे यहां रख दिया जाए या बाहर रख दिया जाए रे, सर बाहर रखना पड़ेगा। तो चार्ज को कहां पे रखना पड़ेगा बच्चे, बाहर रखना पड़ेगा। वहां पे एक बात बताई थी, कान खींच के मारूंगा, दिमाग खोल, एंटीना खोल दिमाग का, छोटे हुए चार्ज पर, कहां पर बेटा, छोटे चार्ज पे, छोटा ये कहिए बोता रे बेटा, ये वाला छोटा कि ये वाला छोटा, सर मैं छोटा, तू छोटा का है सर, ये छोटा, कौन छोटा, -2q, इसके पास में हम चार्ज को रखेंगे यहां पे, यानी कि यहां पे इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो आएगी। शॉर्टकट बताया था कि नहीं बताया था, सीधी सीधी डिस्टेंस निकाल सकते थे, ये डिस्टेंस और मान लीजिए x मान लीजिए, y मान लीजिए, इस डिस्टेंस को मैं y नाम दे देता हूं, ये जो डिस्टेंस आती थी वो कितनी आती थी, √Q1 / √Q2 - √Q1 × n, आया कुछ याद, अरे आया के नहीं आया रे, ओ सर आ गया सवाल तो याद, अच्छे से आया, चलो Q1 छोटा चार्ज, Q2 बड़ा चार्ज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, Q1 का मान बोलिए √2Q / Q2 का मान बोलिए √2Q × दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कितनी है बेटा, L, अरे कितनी रे लाला, L, ओ हो सर ये कैसे करोगे, √2 √2 यहां से √2 आ सकता है क्या, तेरा मेरा साथ है √2 तू मेरे को तो दे दे, अच्छा √2 √2 गुरुजी, ओ माय गॉड क्या बात है, बढ़िया बहुत अच्छा, बहुत प्यारी बात बोली मेरे बेटा, मेरे लाल मेरे पीले मेरे नीले, चलो बेटा √2 √2 - √2 / L,
देखिए रूट टू क्यू, रूट टू क्यू, रूट टू क्यू कॉमन आके कट जाएगा तो क्या बचेगा, वन डॉट एल अपॉन टू माइनस वन एल आ जाएगा, यानी ये डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास में। गुरुजी चक्कर आ रहा है, क्यों भाई? सर ऑप्शन में ही नहीं है एल तो। ओ माय गॉड, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई यार। क्यों भागीरथ ऑप्शन में ही नहीं है भी बेटा, अब क्या करोगे तुम लोग? सर एक बात याद है कि ये डिस्टेंस एल है, ये प्लस माइनस टू क्यू से यहां से कितनी आ जाएगी बेटा, एल प्लस एल, सर टू एल डिस्टेंस आ जाएगी, यानी इस बड़े वाले से टू एल है और छोटे वाले से एल है। क्या टू एल ऑप्शन में है क्या? यस सर, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर, सर हमारा क्वेश्चन सही हो गया। अरे कंसेप्ट सही लगाओगे तो क्वेश्चन सही हो गई, लिख दो जल्दी से बच्चों। एक कंसेप्ट है बेटा, इसको थ्योरी वाली कॉपी में लिखते हैं ना, ठीक है? ये कंसेप्ट क्या होता है ध्यान से सुनना, अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझना। पहले सर आप अपने तरीके से बता दो। मेरा तरीका कहता है कि कोई भी हमारे पास में सिमेट्रिकल एलिमेंट हो या कोई भी एलिमेंट हो, उस एलिमेंट के वर्टेक्स या उस एलिमेंट के चारों ओर उसके अराउंड, क्या कह रहा हूँ बच्चों, एलिमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपके पास, ठीक है? वो आपकी वर्ग हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है या वृत्त हो सकता है, उसके चारों तरफ एक समान आवेश हो। कैसा हो? एक समान आवेश, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। क्या कहा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, एक समान प्रकृति का आवेश हो। तो उसके सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स आता है, उसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड आता है, उसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, वो जीरो होता है। क्या कहा सर? एक जैसा आवेश होना चाहिए चारों तरफ, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो वृत्त हो, चाहे वो हेक्सागोनल हो, चाहे वो कितनी ही साइड का हो, उसके कॉर्नर पे या उसके चारों ओर एक समान चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स जीरो, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो, नेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जीरो। Suppose that I have placed a charge on the corner. The value of the charge is plus Q. The value of the charge is plus Q. Just one second, wait. Hello. पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, सबकी वैल्यू कैसी है रे? तो बोला गया कि सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आएगा, तो ध्यान रखना सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा जीरो। कितना आएगा मेरे लाल? जीरो आएगा। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो मान आया वो आया जीरो। गुरुजी कैसे हुआ ये बताइए हमें, तो हम तो ये जानने आए, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो का कारण जानना है हमें। अरे क्या जानना है मेरे बच्चे? नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो का कारण जानना है। तो मेरे लाल पीले नीले हरे बच्चे ध्यान से देखो, ये कैसा चार्ज? पॉजिटिव। तो सेंटर पे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आएगी? इसके कारण अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन? तो सेंटर पे कैसा चार्ज रखा ये तो बता। सेंटर पे आप कोई भी चार्ज रख दो उससे कोई फर्क नहीं, टेस्ट चार्ज रख दो। जनरली टेस्ट चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है, हम टेस्ट चार्ज रख देते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन आई था, रिपल्सन हुआ, ग्रेट। इसके कारण वापस क्या होगा? रिपल्सन। अब क्या होगा बेटा ध्यान से देखना, इसके कारण क्या होगा? रिपल्सन नीचे के, इसके कारण रिपल्सन इधर की तरफ, ठीक है? अब ध्यान से सुनना अच्छे से बेटा,
अब देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितनी होगी डिस्टेंस। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम स्क्वायर माने तो ये भी ए, तो ये कितनी बनी ए रूट टू, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी ए रूट टू बाई टू, कितनी होगी ए रूट टू बाई टू, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस आएगी वो ए बाई रूट टू आएगी, ये भी ए बाई रूट टू और ए बाई टू, डिस्टेंस समान हो चार्जेस समान हो तो फोर्स जीरो आता है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी क्या आएगी जीरो। तो के क्यू ओपन ए बाई रूट टू का स्क्वायर, के क्यू ओपन ए बाई रूट टू का स्क्वायर, के क्यू ओपन ए बाई रूट टू का स्क्वायर, के क्यू ओपन ए बाई रूट टू का स्क्वायर, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वैक्टर कैंसिल आउट, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन वैक्टर कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है रे, अरे बच्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो यहाँ पर भी नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो आएगी। अगर मैं पॉजिटिव नो लेके माइनस के क्यू चार्जेस ले लूँ तो क्या होगा सर, उस केस में भी सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो, इस वाले केस में भी प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो सर, और क्या सर इसमें क्या होगा, इसमें अपन क्या करेंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज करेंगे, एक समान आवेश देंगे इसके अराउंड, इसकी जो सरफेस है उस सरफेस पे इक्वली अमाउंट का एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके कारण सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी आ गई जीरो। आई बात समझ में, तो क्या बताया कि जब कोई भी एलिमेंट या कोई भी हमारे पास में एलिमेंट होती है तो उसके कॉर्नर पे या उसके अराउंड एक जैसा चार्ज हो तो वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स नेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो मान आता है वो जीरो आता है। कितना आता है बेटा जीरो आता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है चलो, कंसेप्ट क्या है तो लिख लो, सममित लिखो, सममित आवेश वितरण, इंग्लिश वालों को तो सामने लिखा हुआ ही है लिखवाने की जरूरत ही नहीं है, हिंदी वाले हेडिंग लिखाओ सममित आवेश वितरण लिखो। यदि यदि आवेश का वितरण यदि आवेश का वितरण सममित रूप से हो, यदि आवेश का वितरण सममित रूप से हो, कोष्टक में लिख दीजिए समान रूप से, एक जैसा समान रूप से, तो केंद्र पर कुल विद्युत बल कौमा कुल विद्युत क्षेत्र कौमा कुल विद्युत विभव का मान शून्य होता है, का मान शून्य होता है। लिख तो डायग्राम बना लो जल्दी से, चलो चलते अगले सवाल की तरफ। चलो इसका डायग्राम मैंने पहले ही बना रखा था, देखो ध्यान से सवाल पढ़ लो, लिखवाना भी पड़ेगा क्या करें, अब तुम्हारे लिए तो जो करना पड़ता है वो करते हैं हम। क्या एक क्यूब है बेटा, क्यूब में समझते हो हिंदी वालों घन है, उसकी प्रत्येक भुजा का मान बी है, साइड बी है जे चार्ज क्यू, उसके कॉर्नर पे जो चार्ज रखा गया है वो रखा गया है स्मॉल क्यू, वर्टिक्स यानी शीर्ष पे रखा गया है। द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू दिस चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन एट द सेंटर ऑफ दिस क्यूब विल बी 1/4πε0 टाइम्स, तो इसकी जो हमारे पास में इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगी वो कितने गुना के होगी, 1/4πε0 क्या होता है कितने गुना के। अब हिंदी वाले इस सवाल को लिख ही दो, एक गन जिसकी भुजा स्मॉल बी है, एक गन जिसकी भुजा स्मॉल बी है तथा उसके शीर्ष पर स्मॉल क्यू आवेश रखा गया है, तो इन आवेश के वितरण के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान 1/4πε0 का 1/4πε0 का कितने गुना होगा।
एक बटे चार पाई एप्सिलॉन नॉट का कितने गुना होगा? देखो बेटा, मैंने क्वेश्चन को डायग्राम इसलिए बनाया क्योंकि मैं इसे डायग्राम से बनता नहीं है और मैं क्यूब जो यहाँ से लेना नहीं चाहता था। देखिए, ये हमारे पास में क्यूब है इस तरीके से, यहाँ पे ए साइड ए सॉरी क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज, तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी आएगी बेटा? जीरो। मैंने बोल रखा है कि जब आवेश जो है एक समान हो यानी इक्वली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट हो तो सेंटर पे क्या होता है? अब के का तो कितने गुना होगा ही नहीं, तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या आ जाएगी? जीरो। अगर मैं फोर्स पूछता सेंटर पे तो भी जीरो आती है, और पोटेंशियल पूछता तो भी जीरो आती है, ये भी ध्यान रखना। तीनों चीज़ें जो है इसका मान जीरो होता है, ये याद रखना अच्छे से। चाहे वो इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, तीनों का मान क्या आता है? जीरो आता है। क्या आता है बच्चा? जीरो आता है। आगे बात समझे बेटा, कोई दुख कोई तकलीफ कोई समस्या मेरे प्यारे बच्चे लाल पीले नीले घनश्याम, कोई समस्या नहीं, कोई दुख वाली बात नहीं, आगे बढ़ा जाए क्या? अरे हाँ सर, अगला क्वेश्चन लगाया जाए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कहता है कि फोर चार्जेस आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। हमारे पास में एक स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। और उसके ऊपर चार चार्ज रखे गए हैं। कितने रखे गए? चार, फोर सॉरी, ये 1 2 3 4 चार्जेस रखे गए हैं। इफ क्यू इज 1 माइक्रो कूलाम, स्मॉल क्यू का मान कितना है? 1 माइक्रो कूलाम है। कितना है? 1 माइक्रो कूलाम है। तो आप लोगों को बताना है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो सेंटर पे कितनी होगी। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, यानी कि आपको E8C निकालना है। सवाल समझ में आ गया? सवाल ये कि आपके पास में एक स्क्वायर है और स्क्वायर के कॉर्नर पे चार चार्ज रखे गए हैं, उन चारों चार्ज के कारण इस सेंटर पे या केंद्र पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का मान कितना आएगा। और ये भी बोला गया है कि स्मॉल क्यू का मान 1 माइक्रो कूलाम यानी कि 10^-6 कूलाम है। सर हिंदी में क्वेश्चन लिखवा दीजिए, जल्दी से लिखो। एक वर्ग के कोनों पर चार आवेश रखे गए हैं। एक वर्ग के कोनों पर चार आवेश रखे गए हैं तथा वर्ग के भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा स्मॉल क्यू आवेश का मान वन माइक्रो कूलाम है। तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? ये सवाल है हमारे पास में। यानी कि इस तरीके से एक स्क्वायर बना रखा है, स्क्वायर पे चार चार्ज है, क्यू है, एक -2Q है, एक +2Q है और एक -Q है। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो पॉसिबल है क्या बेटा? सर बिल्कुल, क्यू -2Q +2Q -Q। सर देखिए, -2Q और -Q कितना हो गया? -3Q। क्यू और +2Q कितना हो गया? +3Q। तो देखिए सर, -3Q + 3Q दैट इज इक्वल्स टू जीरो। और सर देखिए यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज जीरो। सर मेरा सवाल सही, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन के समय की बात, आंसर की देखोगे एग्जाम के बाद, ओ माय गॉड ये क्वेश्चन गलत कैसे हो गया? अरे कंसेप्ट को सही से समझाइए। सर ने बोला सब जगह एक जैसा आवेश होना चाहिए, क्या यहाँ पे एक जैसा आवेश है क्या बेटा? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे -2Q है, तो कैसे जीरो हो जाएगा? अरे मेरे लाल पीले नीले, क्या हो जाएगा जीरो? क्या? बिल्कुल नहीं। चलो तो कैसे करोगे बेटा? अच्छा सवाल है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गुड क्वालिटी क्वेश्चन है। ऐसा सवाल कई बार आते हैं, ध्यान से सुनना और समझना।
थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। बड़ा क्या हो गया भाई, दिख क्यों नहीं रहा तू? अब दिख रहा है ना? चल, जस्ट अबाउट टॉकिंग टू द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर, हम एक वर्ग के केंद्र की बात करते हैं। इसके ऊपर जो चार्ज है, सबसे पहले चार्ज क्यों रखो? क्यू माइनस टू क्यू माइनस क्यू देन प्लस टू क्यू। अब ध्यान से देखना बेटा, ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है? उससे दूर जाता है, पास आता है। बोल सर, दूर जाता है तो यहां से ये दूर चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है? ये इलेक्ट्रिकल फील्ड का नाम क्या रखेंगे? ई ए, जो ए के कारण है। यहाँ पे ए बी सी डी मैंने लिखा, ऑलरेडी यहाँ पे डायग्राम में बता रखा है मैंने, ठीक है? अब यहाँ पे जो है वो प्लस टू क्यू चार्ज है, कितना है? प्लस टू क्यू। तो ये कैसे जाएगा? इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण वापस आउटवर्ड साइड जाएगा। सर यहाँ पे नाम दे रखा है सी, इसी। सर एक बात बताओ, प्लस क्यू के चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड ई आती है, तो क्या प्लस टू क्यू के कारण टू ही आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। कैसे? कि अगर तूने क्यू चार्ज लिया तो क्या बना? के क्यू अपन आर स्क्वायर। टू क्यू लिया तो क्या बना? के टू क्यू अपन आर स्क्वायर। अगर मैं इसको ई मानू तो ये मेरा टू ही बनेगा। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और देखो सर, डिस्टेंस भी कौन सी है? ये वाली और ये वाली, ये दोनों डिस्टेंस भी समान है। सर ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो मैंने अबार ही बोला था ए साइड का स्क्वायर हो जाए। कितनी साइड का? ए साइड का स्क्वायर हो जाए। ये मेरी साइड ए, ये मेरी साइड ए, ये मेरी साइड ए, तो ये कंप्लीट साइड कितनी होती है? ए रूट टू। कितनी होती है बच्चा? ए रूट टू। अब आपको ये साइड चाहिए हाफ, तो ये रूट टू बाई टू करोगे तो मेरे बच्चे बन जाएगा ए बाई रूट टू बन जाएगा। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे? ए बाई रूट टू बन जाएगा। डिस्टेंस भी सेम है, यानी कि ये अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड मेरा ई होता है सर, तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड मेरा जो होगा वो होगा टू ई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सर। इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ आएगा? इधर। इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ आएगा? इधर। और देखिए, एक चार्ज सिंगल है, दूसरा उसका डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसके कारण टू ई आएगा। इसके कारण कितना आ जाएगा? 2e। तो इसके कारण कितना आ जाएगा? अब चार वेक्टर बच गए, e 2e 2e और e। अब 2e अगर मैं इसको इधर कर दूं तो माइनस ई बनेगा, तो वेक्टर क्या रह जाएगा? ये। अब ये 2 ही है, इसको उधर ले जाऊं वापस माइनस ई बनेगा, तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा? e वाला। और देखिए 2e में से ई गया तो ये वेक्टर कितना बना? e। ये वेक्टर भी कितना बना? तो ये दो वेक्टर हो गए। आपको पता है कि दो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं। अरे कितने डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट आने वाला है, इनका वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आने वाला है वो इनके बीच में आएगा इस तरीके से। ये लो सर, अगर ये ई है और ये ई है, ये कितना आता है? 90 डिग्री पे होता है। तो बता रखा है ना, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा, कोस 90 जीरो हो गया तो क्या बचा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रूट ई स्क्वायर प्लस रूट ई स्क्वायर। ई रिजल्टेंट यहाँ पे आ जाएगा, जो आ जाएगा ई रिजल्टेंट दैट इज इक्वल्स टू ई रूट टू, और वो बन जाएगा रूट टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर का मान कितना है? ए बाई रूट टू का स्क्वायर। तो ये बच गया, ध्यान से देखोगे तो रूट टू का स्क्वायर ऊपर चला गया। रूट टू का स्क्वायर होता है टू रूट टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। आ गया सर यहाँ पे। अब ध्यान से देखोगे तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, डाटा ऑप्शन तो है नहीं, तो ऑप्शन नहीं है तो अपन यहाँ तक ही आंसर को लिखेंगे, ठीक है? बाकी अगर आप सॉल्व करना चाहो तो कैसे करोगे? टू रूट टू 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई, चलो यहाँ कर लेते हैं ना, चलो इस वाली जगह पे कर लेते हैं, जैसे दिख जाएगा। टू रूट टू के का मान कितना है? 9 × 10⁹
क्यू कितना है 1 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ए कितना है साइड, वर्क का साइड, वर्क का साइड है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 × 10⁻²। 10 × 10⁻²² मीटर का मतलब हो गया 10⁻²+1 यानी कि 10⁻¹ मीटर हो गया। तो ये हो गया 10⁻¹ का स्क्वायर। सॉल्व कर दोगे जल्दी से सर? अप्रोक्सीमेशन से करके बता दो। चलो ध्यान से देखना, 9 × 12 दैट इज 18 √2। इसको √2 के फॉर्म में रखूंगा मैं, ध्यान रखना। 10⁻⁹ ये कितना है −2, ऊपर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो प्लस का होगा तो ये कितना आ जाएगा, ये −2 ऊपर गया तो कितना बन गया प्लस का 11। 11 में से 6 गया, 11 में से 6 गया तो कितना बचा 10⁵। ये आ जाएगा, क्या सही है क्या? बट ध्यान से देखना एक बार, 9 × 2 दैट इज 18 √2 −2 गोज अपॉन देन पॉजिटिव 9 and 2 एड दैट इज 11, 11 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 6 दैट इज 5। ओके राइट, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिकल फील्ड आ जाएगी जिसकी यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन अपॉन कूलम होती है। अच्छा सवाल था बेटा, अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहो ना, √2 का मान कितना होता है 1.414 होता है, कितना होता है 1.414 होता है। आपको पता है कि इसको 1.41 की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 1.5 ले लो, कितनी ले लो 1.5 लोगे। अब 18 का मल्टीप्लाई करोगे 15 से तो कितना आता है 270, यानी कि 27 के आसपास आंसर आएगा। इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, 25 अप्रोक्सीमेशन आंसर ले लेंगे तो आ जाएगा 25 × 10⁵ न्यूटन अपॉन कूलम आ जाएगा। आगे बात बच्चा समझ अच्छे से, चलो यहाँ तक क्लियर है, कोई दुख कोई तकलीफ कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ो और अगला वाला क्वेश्चंस करो, जल्दी से लिख दो फटाफट। चलो बहुत प्यारा सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, पहले डायग्राम बना लो सब लोग फिर क्वेश्चन लिखवाता हूँ। हिंदी वालों को भी इसमें कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, सारा डाटा लिखा हुआ ही है। देखिए आपके पास में एक इलेक्ट्रिकल रॉड है, उस इलेक्ट्रिकल रॉड की लेंथ दे रखी है आपको कैपिटल एल, ये चार्ज जो है वो क्यू है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, और यहाँ पे ए डिस्टेंस पे आपको पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है। तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे ना, किसी चार्ज के अराउंड ही तो इलेक्ट्रिकल फील्ड आती है। तो ये एक चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया लेंथ के, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया लंबाई पे, चार्ज को वितरित किया गया। इसी चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगी वो निकालेंगे। बड़ा फेमस और अच्छा सवाल है, देखो सवाल को कैसे करोगे ध्यान से सुनो। ऐसा सवालों को करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, ध्यान से सुनो। लास्ट क्लास से बताया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के अलोंग, सरफेस के अलोंग और वॉल्यूम के अलोंग। रॉड का एक एग्जांपल लिया था, तुम लोगों को बताओ छड़ का लिया था है ना, और वहां पे एक हमने निकाला था चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व लैम्डा निकाला था, याद है, जो होता था स्मॉल क्यू बाई एल, आया याद? अब हम क्या करेंगे सर? देखो ये चार्ज q है, a डिस्टेंस पे निकालना है सर, ये लो k q अपॉन a स्क्वायर। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। सबसे पहली बात मेरे बच्चे क्या ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसा होने वाला नहीं है। अगर गुरुजी यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है तो गुरुजी कैसा होने वाला है? क्या कह रहे हो, अगर ऐसा नहीं होने वाला है तो कैसा होने वाला है? तो देखिए ऐसा होने वाला है, कैसा होने वाला है ऐसा, ध्यान से देखिए। जब कभी भी हमारे पास में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट सर हिंदी, एक समान आवेश वितरित हो, एक समान रूप से आवेश वितरित हो, तो हम क्या करते हैं कि छोटे पार्ट के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालते हैं। एक
छोटे पार्ट के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालते हैं, और छोटे पार्ट से आ जाती है, फिर उन छोटे 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 पार्टों को जोड़कर पूरी कंप्लीट लेंथ के लिए निकालते हैं। सर ये तो वही वाली बात होगी, हमारे पास में एक पिज्जा का पीस निकाल दो और उन पिज्जा के सारे पीसेस को जोड़ दो, पिज्जा के जितनी भी स्लाइस आएगी उन सबको जोड़ दो तो पिज्जा बन जाता है। तो पहले क्या करेंगे, छोटे वाले पिज्जा की स्लाइस का मान निकाल दो, फिर जितनी भी स्लाइस आ रही है उनको जोड़ लेंगे। सर यहाँ पे कैसे जोड़ोगे? तो तुम लोगों को 11th क्लास में सिखा रखा था, कभी भी सिमेट्रिकल चीज़ें आती है, चाहे वो लेंथ के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो सरफेस के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हो, जोड़ने का तरीका कौन काम करता है? इंटीग्रेशंस, यानी कि समाकलन करके उनको करते हैं। तो सबसे पहला काम तो हम यहाँ पे ये करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। तो ये लो छोटा सा एलिमेंट, इस तरीके से छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ये एलिमेंट यहां से कितनी डिस्टेंस पे है? ये एलिमेंट यहां से एक्स डिस्टेंस पे है। इस एलिमेंट की, एलिमेंट का मतलब होता है अल्पांश, हिंदी वालों अल्पांश। इस एलिमेंट का चार्ज हम मानेंगे, इस अल्पांश का चार्ज मान लिया dq और अल्पांश की लेंथ मान ली dx, यानी ये dx लेंथ का dq चार्ज है। इस छोटी सी dx लेंथ पे जो चार्ज आएगा वो आएगा dq। और हमने एक एलिमेंट के लिए जब हम लोगों ने चार्ज डेंसिटी पढ़ी, लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी, रेखीय आवेश घनत्व, जब लंबाई के अनुदिश बात हो तो कौन सा आता है? रेखीय आवेश घनत्व होता है। तो यहां से लैम्डा बराबर क्या बन जाएगा? डी क्यू अपॉन डी एक्स बन जाएगा। सर बहुत बढ़िया, जब चार्ज छोटा सा है, छोटा सा एलिमेंट है, तो हमारे पास में जो छोटे चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगी वो डी आएगी। कितनी आएगी? डी ई आएगी। जो कितनी आएगी वो आएगी के क्यू का मान कितना है? डी क्यू। यानी कि क्या किया हम लोगों ने, इसको एक सिंगल चार्ज मान लिया। भाई सिंगल चार्ज के कारण जब इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालते थे तो के क्यू अपन आर स्क्वायर निकालते थे कि नहीं निकालते थे? अब ये एक सिंगल चार्ज हो गया। इस सिंगल चार्ज के कारण इस पी डिस्टेंस पे, इस सिंगल चार्ज के कारण एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा? तो के क्यू अपॉन ये वाली डिस्टेंस। तो के क्यू का मान कितना है? डी क्यू। अपॉन एक्स स्क्वायर। आई बात समझो? तो अब ये एक सिंगल चार्ज है। अब यहां पे सिंगल कितने चार्ज है? यहां से शुरू करोगे तो यहां तक है सिंगल चार्ज है। यानी कि एक्स बराबर जीरो से शुरू करे तो ये एक्स बराबर क्या बनता है? ए एल बनता है। जीरो नहीं, सॉरी, ए एक्स बराबर ए से शुरू करे और ये एक्स बराबर एल तक आता है ना। ये ए है तो ये एल प्लस ए हो जाएगा बेटा। यानी अब क्या करना है, इन छोटे 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 सिंगल चार्जेस को जोड़ना है, और छोटे छोटे सिंगल चार्जेस को जोड़ने का जो काम करेगा वो करेगा इंटीग्रेशन डी। अब क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। सर यहां से डी क्यू निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो यहां से डी क्यू निकालने के लिए तुम्हारे पास आ जाएगा डी क्यू बराबर लैम्डा डी एक्स आ जाएगा। तो यहां से ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी ई, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के लैम्डा के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रिकल फील्ड ई का मान आ जाएगा के कॉन्स्टेंट लैम्डा कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? के लैम्डा एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है? इस वाली लेंथ से यहां से शुरू करते हुए यहां फिनिश करना है। ये यहां से कितनी लेंथ आ रही है? ए। इस पॉइंट से यहां तक की लेंथ ए है, और इस पॉइंट से यहां तक की लेंथ ए प्लस एल है। तो इसकी लिमिट क्या आएगी? ए से ए प्लस एल आ जाएगी।
इस तरीके से। अब ध्यान से देखिएगा, इंडिकेशन करते हैं सबसे पहले कि लैम्डा एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। माइनस टू प्लस वन कितना बन गया, माइनस वन, बाहर ले लीजिए, यहाँ पे लिमिट लगाना भूल गए हम लोग, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद ब्रैकेट बना के लिमिट लगाई जाती है ए से ए प्लस एल। तो ये क्या बन गया, माइनस के लैम्डा एक्स की पावर माइनस वन का मतलब हो गया वन अपॉन एक्स। सर लिख के बता दो ना आपके क्या जा रहे हैं, लो भाई पूरा लिख के बताएंगे तुम्हें। इक्वल्स टू के लैम्डा माइनस टू प्लस वन माइनस वन अपॉन में क्या, तो माइनस एक्स की पावर माइनस वन ए से ए प्लस एल। यहाँ आ गया सर माइनस के लैम्डा वन अपॉन एक्स ए से ए प्लस एल। लिमिट लिखना आता ना, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंडिकेशन में सीखते होंगे, क्लास इलेवेंथ पढ़ी होगी। तो ये हो गया माइनस के लैम्डा वन अपॉन ए प्लस एल माइनस वन अपॉन ए, यानी कि एक्स की जगह हायर लिमिट रखनी है। ये कौन सी वैल्यू है, एक्स, एक्स में क्या रखना हायर लिमिट ए प्लस एल, फिर लगाते हैं माइनस, ये लोअर लिमिट ए। तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस के लैम्डा ए कॉस्ट ए प्लस एल, एलसीएम आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे, तो ये ए प्लस एल जाएगा, तो ए माइनस ए माइनस एल आ जाएगा। ए से ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बचेगा के लैम्डा एल, के लैम्डा एल अपॉन ए इंटू ए प्लस एल। अभी आपने जाना लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, तो लैम्डा एल किसके बराबर, क्यू के बराबर। लैम्डा एल किसके बराबर आ गया, क्यू के बराबर आ गया, तो ये आ गया के क्यू अपॉन ए ब्रैकेट ए प्लस एल। ये एक रॉड के कारण किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लगती है, ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। आगे बात, अच्छा सवाल, प्यारा सवाल, एक सिमेट्रिकल सवाल समझाया कि कैसे सॉल्व करते हैं, अच्छे से लेवल के और अच्छे से क्वालिटी के सवाल लेके आता हूँ जिससे तुम्हारा ब्रेन जो है ना चलना स्टार्ट हो गए। सर चलने का तो छोड़ो, है ही नहीं तो क्या चलेगा, हाथ और निकाल रहा है झिंगूर भागीरथ कहीं का, लिख दे जल्दी से। हाँ बेटा एमी लिखो, क्या कर रहे हो, लिखो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला वाले क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला कंसेप्ट है बेटा, लिखना था जल्दी कर दे, धीरे धीरे क्यों लिखता है, फिर फास्टली लिखा कर। अगले वाले कंसेप्ट को देखिए क्या चाह, लिख दो पहले हिंदी वाले, विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल, इंग्लिश वालों इलेक्ट्रिकल सॉरी फोर्स ऑन ए फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना समझना। हमारे पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड हो एक समान, तो वहां पे अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या रहेगा, और वहां पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा रहेगा। तो ध्यान से सुनना, पॉजिटिव चार्ज के कारण एक समान यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर, क्या कह रहा हूं प्यारे बच्चे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज के अलोंग जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। द प्रेजेंस ऑफ ए पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड द फोर्स आर एक्ट ऑन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होगी उधर ही फोर्स लगेगा पॉजिटिव के लिए। ये कहना चाहता है एफ बराबर प्लस क्यू, सेम डायरेक्शन में लगता है। अगर नेगेटिव चार्ज हो जाए तो तब अपोजिट लगेगा, एफ बराबर माइनस क्यू।
ये ध्यान रखना। लिख दो, इंग्लिश वाले को तो लिखने की जरूरत है नहीं, हिंदी हिंदी वाले लिख दो। एक समान इलेक्ट्रिकल एक समान विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू पर बल, एक समान विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू पर बल, एक समान विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू पर बल, विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में ही लगता है, विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में ही लगता है, तथा माइनस क्यू पर विपरीत दिशा में लगता है, तथा माइनस क्यू पर विपरीत दिशा में लगता है। सर रोज़ आप हिंदी वालों के लिए, आज हमारे इंग्लिश वालों के लिए लिख लें सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत अच्छा। तो ये कंसेप्ट होता है आपका कि जब कभी भी पॉजिटिव चार्ज को एक समान इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखोगे तो एफ बराबर क्यू ही आएगा, और जब आप इसे नेगेटिव करोगे तो एफ बराबर माइनस क्यू आएगा। ये ध्यान रखना, अच्छे से समझना। क्वेश्चन देखो बेटा, सेम क्वेश्चन है। इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड अभी निकाले हो आप लोग, कितना निकाले हो बोलो, के क्यू अपॉन ए ए प्लस एल, यही आया था, कोई और आएगा जिंगूर मेरे घनश्याम भाई, लाल पीले नीले, ये रहा यहाँ पे चार्ज कैपिटल क्यू था, यहाँ पे चार्ज क्या है स्मॉल क्यू है, इतनी सी बात है। अब बोला गया कि प्लस क्यू चार्ज के कारण कितना फोर्स आएगा, अभी हमने पढ़ा कि प्लस क्यू के चार्ज के कारण फोर्स होता है प्लस क्यू, क्यू ई का मान ये रहा, तो ये बन गया क्यू मल्टीप्लाई के क्यू अपॉन ए कोष्टक ए प्लस एल, ये यहाँ पे बन जाएगा के क्यू क्यू अपॉन ए ब्रैकेट ए प्लस एल बन जाएगा। है क्या ऐसा कोई ऑप्शंस? फर्स्ट वाला ही है, सेम चीज़ है कि इसके कारण क्या होगा, एक समान इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा, तो इसके कारण एक तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड आ जाएगा ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से एक समान इलेक्ट्रिकल फील्ड ये जनरेट करेगा हमारा, ये जो रॉड है इस तरीके से, और ये चार्ज कैसा है पॉजिटिव, ये वाला चार्ज कैसा है पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स कहाँ आएगी, इधर आएगी, कितनी आएगी, एफ बराबर क्यू। चलो आगे बात समझ में, कोई समस्या नहीं है, चलो नेक्स्ट। बहुत प्यारा सवाल, अच्छा सवाल है, तगड़ा सवाल है, ना ध्यान से देखना इसको। क्वेश्चन लिखवाना है ना, ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश वाले पढ़ लो क्वेश्चन को, हिंदी वाले भी पढ़ा करो ताकि तुम्हें दिक्कत नहीं आती। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज सच दैट एन इलेक्ट्रॉन प्लेस इन इट वुड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल्स टू वेट। एक हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, एफ बराबर क्यू ही लगता है, तो वो जो फोर्स है ना, वो फोर्स हमारे यहाँ पे किसके बराबर दे रखा है, इसके वेट के बराबर दे रखा, किसके बराबर, इसके वेट के बराबर, ठीक है। सबसे पहले लिख दो सवाल, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा जब जब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले जब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले विद्युत बल का मान जब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले विद्युत बल का मान
उसके बार के बराबर हो, उसके बार के बराबर हो। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा वो कितना लगना है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगना है वो लगना है F बराबर क्यू ई इस तरीके से, और यहाँ पे इसका क्या लगना है बार, बार एक फोर्स होता है, W बराबर क्या होता है एम जी। तो बोला गया कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो वेट के बराबर है, जब आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स वेट के बराबर होगा तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ, सॉरी ये तो फोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ना ई जो है वो हमारे वेट के बराबर है। ठीक है चलो, तो क्या बनेगा के क्यू अपॉन, एक सेकेंड इलेक्ट्रिकल फोर्स ही तो बोला है, अरे मेरा भी दिमाग चलना कभी बंद हो जाता, वो सही बोल रहा था, तुम लोग सही बता रहे थे, फोर्स जो है ना वो है हमारे पास फोर्स किसके बराबर है, फोर्स है वेट के बराबर। ठीक है तो फोर्स बराबर क्या होता है क्यू, वेट बराबर क्या होता है एम जी, तो ई बराबर क्या आ गया एम जी अपॉन क्यू, यानी एम जी अपॉन चार्ज कितना ई, तो यहाँ पे जो माना है वो एम जी अपॉन ई आएगा बेटा, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा सवाल, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फोर्स था ना वो वेट के इक्वल दिया था, और इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला यूज कर लिया क्यू, कोई दिक्कत नहीं है, चलो गुड क्वालिटी क्वेश्चन। ठीक है दो चार्जेस है ई और थ्री हमारे पास में, हिंदी वालों को लिखवाना पड़ेगा ना दिक्कत है, ये वही साम्यावस्था वाला सवाल है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम से समझ लो। ठीक है हर सवाल लिख पाओगे ना तो बेटा क्लास बड़ी लंबी हो जाएगी ना, सवाल 10 कर रहे हो 2 घंटे लगवा रहे हो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। देखो एक चार्ज है ई आप समझते रहो बस, दूसरा चार्ज है थ्री, इन दोनों को रखा गया है स्मॉल आर दूरी पर। ठीक है आपको बताना है कि कहाँ किस बिंदु पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ का मान 0 होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 कहाँ होगा। तो देखो चार्ज की नेचर कैसी है, सेम सेम होती है, चार्ज को कहाँ रखते हैं बीच में, तो वो पॉइंट बताना है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ 0। शॉर्टकट बता रखा है ना, छोटे वाले चार्ज एक्स निकालते थे, छोटे वाले चार्ज एक्स निकालते थे तो कितना बनता था, रूट क्यू वन अपॉन रूट क्यू वन प्लस रूट क्यू टू डॉट एल, ये करते थे। क्यू वन का मान कितना है ई, तो रूट ई अपॉन रूट ई प्लस रूट थ्री डॉट एल, रूट ई टू से काट लो, वन अपॉन वन प्लस रूट थ्री, एल का मान इसने क्या दे रखा है आर दे रखा है, तो यहाँ पे आर लिख दीजिए, ये आ गया। तो ये किससे डिस्टेंस आई है, ये हमारी जो डिस्टेंस आई है वो ई से आई है, ऑप्शन में देखो ई से हमारे पास में आर अपॉन वन प्लस रूट थ्री है क्या, तो ये सवाल करवाया हुआ हिंदी में लिखवाने की जरूरत, सिंपल सवाल। सर आपने एक फॉर्मूला लिखा था, सर ये वाला भी लगा सकते हैं कि आर अपॉन रूट एन प्लस, ये लगा सकते हो डायरेक्ट, कितना गिना मल्टीप्लस हो गया 3 मल्टीप्लस, यहाँ पे 3 कर दो आर अपॉन रूट 3+1 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये इसके लिए था केवल और केवल जब इसका मल्टीप्लेक्शन होता था। सवाल लिख दो, इंग्लिश वाले पढ़ लिए होंगे, हिंदी वालों सवाल करवा चुका हूँ, करवाऊंगा नहीं, सवाल करवा रखा है मैंने, तो लिखने की जरूरत नहीं है, समझा मैं देता हूँ। आपके पास में एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लिखो जल्दी से लिखो, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, जल्दी से लिखो, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, इसके प्रत्येक शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश रखा जाए, इसके प्रत्येक आवेश पर प्लस क्यू आवेश रखा जाए तो त्रिभुज के केंद्र पर, तो त्रिभुज के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, बताने की जरूरत है नहीं, 0 होगा, सीधा सीधा करवा रखा है, अब आरी करवा क्या है कि एक त्रिभुज होगा, उस त्रिभुज के तीनों कॉर्नर पर प्लस क्यू चार्ज रखे जाए, समान चार्ज है कि नहीं है, सेंटर पे कितना आता है सर 0 आता है। सर त्रिभुज के लिए आपने बताया नहीं था 0 कैसे आता है, देखो फटाफट देख लो जल्दी से ना, फास्टली देखो, इधर इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ इधर, और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ, अब इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो इधर आएगा,
इसका और इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड कैंसिल हो जाएगा। करके देखना कैसे होता है, एंगल आता है ठीक है ना, एंगल निकाल के देखना पड़ता है। नेक्स्ट देखो सवाल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गुड क्वालिटी क्वेश्चंस। अच्छे से सवाल ढूंढ ढूंढ के लेके आता हूँ मैं, जहाँ जहाँ पड़े होते सब। फाइंड इलेक्ट्रिकल फील्ड एट ओरिजिन, मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा जब चार्ज को ऐसे रखा जाए। ये आपका मूल बिंदु है ओरिजिन्स, लिख दो मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा। उसके बाद में ये आपकी एक्सिस है, ये 0.0, 1.0 पे प्लस क्यू चार्ज, 2.0 पे प्लस क्यू, 4.0 पे प्लस क्यू, इस तरीके से रखा गया है और ये इन्फिनिटी तक रखा गया है। कहाँ तक रखा गया, इन्फिनिटी बोले तो अनंत। तो आपको पता है क्या लगाओगे, सुपर पोजिशन थ्योरम, तो क्या बनेगा, इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड ईवन, देखो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण कहाँ आ जाएगी, बाहर की तरफ, फिर बाहर, ऐसे करके सारे वेक्टर को जोड़ोगे तो ई नेट आ जाएगा आपके पास में के क्यू अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन 4 का स्क्वायर, देन सो ऑन करना पड़ेगा आपको इस तरीके से। तो ध्यान से देखोगे, देखिए जीपी की इन्फिनिटी सीरीज का सम बन गया, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग बन गया। तो जीपी के इन्फिनिटी सीरीज का जो योग होता है एस इन्फिनिटी, दैट इज ए अपॉन 1-r होता है, चाहे हिंदी में आर को क्या कहते हैं, सार्व अनुपात कहते हैं, इक्वल रेशियो कहा जाता है, ए को फर्स्ट टर्म कहा जाता है, प्रथम कहा जाता है। तो हेलो, चलो बच्चों ध्यान से देखना, समझ लो ए अपॉन 1-r, तो ए का मान कितना है हमारे पास में, ए का मान आ जाएगा के क्यू अपॉन आर आ जाएगा। उसके बाद में आर क्या निकालोगे आप लोग, तो आर यहां पे आ जाएगा इस तरीके से के क्यू अपॉन 4 क्यू अपॉन, तो आ जाएगा 1/4, कितना आ गया 1/4 आ गया, इस तरीके से आ गया हमारे पास में 1/4 आ गया। अब ध्यान से सुनना और समझना अच्छे से, ई नेट बराबर ए के क्यू अपॉन 1² अपॉन 1-r 1/4। 1-1/4 कितना हो गया, ये हो गया के क्यू अपॉन 1-1/4 यानी कि 3/4 हो गया, तो ये हो गया 4 के क्यू अपॉन 3, कितना हो गया 4 के क्यू अपॉन 3 हो गया। तो ये आंसर यहाँ पे आ गया 4 के क्यू अपॉन 3 आ गया। आगे बात समझ में अच्छे से क्लियर हो गया। चलो इसका एक सवाल और कर रखा है मैंने यहाँ पे सेम, लेकिन चार्जेस की वैल्यू चेंज कर रखी है मैंने, क्या कर रखी है, चार्जेस की वैल्यू चेंज कर रखी है। तो क्या होगा, इसके कारण अगर वो सीरीज बनाएंगे ई नेट की, तो क्या बन जाएगा के क्यू अपॉन 1² आवाज आ रही है ना, के क्यू अपॉन 1² माइनस के क्यू अपॉन 2² प्लस के क्यू अपॉन 3² माइनस के क्यू अपॉन 4। अब ध्यान से देखना अच्छे से, अब इसमें आप आर निकालेंगे तो आर क्या आ जाएगा इस बार -1/4 आ जाएगा, ये ध्यान रखना कैसे, -KQ अपॉन 4
अपॉन के क्यू अपॉन या माइनस वन बाई फोर। अब जैसे निकालोगे तो क्या बनेगा, के क्यू वन स्क्वायर अपॉन वन माइनस ऑफ वन बाई फोर। इस बार क्या बन जाएगा, फोर बाई फाइव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, फोर ऊपर गया, फोर प्लस वन फाइव, फोर बाई फाइव के क्यू अपॉन स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कितने क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हो गए, तो आज जितने भी क्वेश्चन कराए इनका सॉल्यूशन जो मैं बाहर ग्रुप के अंदर भिजवा देता हूँ पूरा पूरा। ठीक है बच्चों, मस्त रहिए, खुश रहिए। आज थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई, देख लेते कितनी हुई है। ठीक है ना, अब इससे तो पता चलेगा नहीं मेरे को, देखने से पता। चलो बच्चों विदा लेते हैं अभी, सर एक बार आपकी शक्ल देख लेते हैं। चलो भाई देख लो, चलो भाई कमला जी बहन, एमी बहन और भागीरथ जी और सारे स्टूडेंट, चलो राधे राधे, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसके बाद में 25 या 30 क्वेश्चन का एमसीक्यू आएगा, जिसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड के, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स के और इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के। उसके बाद अपन गॉसेस करवाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। एमी टेंशन मतलब चैप्टर करा देंगे, जो पढ़ा है ना उसको अच्छे से पढ़। अब मैं हिंदी बोलता भी हूँ, सवाल भी लिखा, ठीक है, टेंशन मतलब। चलो राधे राधे बच्चों।